इंदौर में आगजनी की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। कुछ ऐसा ही मामला रावजी बाजार थाना क्षेत्र के शंकरबाग में गोदाम में भीषण आग की सूचना पर तत्काल दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। भीषण आग के चलते आसपास के इलाके को खाली कराया गया, वहीं गोडाउन में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। दरअसल देर रात रावजी बाजार थाना क्षेत्र के शंकरबाग स्थित अरिहंत सेल गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जहां पीवीसी पाइप और कृषि सामग्री के प्लास्टिक के उपकरण बनाए जाते थे। आग के चलते आसपास के लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर सूचना के बाद स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम पहुंची, जहां आसपास रहवासी इलाके को खाली कराया गया। वहीं तकरीबन 25 से भी अधिक टैंकर पानी की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। वहीं गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। सर, क्या जानकारी मिली आपको? हमको करीब 23:55 पे करीब आग लगने की सूचना, शंकरबाग में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें किसान पाइप वगैरह लंबे जो रोल रहते हैं उसके अंदर आग लगी है और अपनी 5 गाड़ियाँ घटना स्थल पर पहुँच गई और कार्य जारी पे चल रहा है। और करीब अभी 10 से 12 टैंकर पानी लग चुका है, अभी और 10-12 टैंकर लग जाएगा लगभग, और कार्रवाई जारी है और आग कंट्रोल की जा रही है। अभी कोई जनहानि वगैरह नहीं, और इतना कंजेस्टेड है कि यहाँ गाड़ियाँ और टैंकर आने की जगह नहीं है। यहाँ पर मेन चीज़ तो इसके अंदर ही है, और इसलिए जो आग कंट्रोल करने में थोड़ी सी देरी हो रही, बाकी आग पूरी तौर से कोई फायर इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और कार्रवाई जो है जारी है। अभी कोई कारण क्या वगैरह की कोई कारण नहीं, नुकसान कारण वगैरह की जो है पूरी डिटेल जानकारी बाद में बनाई जाएगी। ये अरियंत कोई जैन साहब है, उनकी बता रहे हैं, अभी पूरी डिटेल जानकारी हम लोगों द्वारा नहीं बनाई गई है। संतोष कुमार दुबे, प्रभारी पुलिस।